सर्वागमानां निखिलजनमनः पावनीपापीशास्तीर्था सर्वात्मदृष्टिर्मिलवत्करुणाकिन्नुवात्सल्यवृष्टिः निष्ठा ब्रह्मात्मविद्या द्युतिदलिततमस्तोम विद्वन् महिमाम् श्री गुरुनाथ तीर्थो जगति जयते सत्प्रतिष्ठा यति नाम नारायण नारायण। जहाँ हो वहाँ से जहाँ पहुँचना चाहते हो वहाँ पहुँचने के लिए कोई द्वार चाहिए, कोई जरिया चाहिए, कोई प्रक्रिया चाहिए। एक एक पुर के छत पर कैसे पहुँचे? इसी से साधन शास्त्र की ये शैली है कि आदमी जहाँ होता है वहाँ से उसकी साधना प्रारंभ होती है। आपको यहाँ से चौपाटी जाना है तो प्रेम कुटी से चौपाटी तक का जो मार्ग है उसको तय करना पड़ेगा। और एकाएक आँख बंद करके कहो हम चौपाटी पहुँच गए तो ऐसे नहीं होगा। शंकराचार्य भगवान ने कहा अकृत्वा शत्रु संहारम अगत्वा खिल भूश्रियम। राजा हमिति शब्दार्थ हो राजा भी तो मर सकते, दुश्मनों को तो मारा नहीं, धरती के एक चक्के पर तुम्हारा कब्जा नहीं, और बोलते हो कि मैं राजा हूँ। तो केवल राजा कहने से कोई राजा नहीं हो जाएगा, उसके लिए चाहिए शत्रुओं का संहार, उसके लिए चाहिए पृथ्वी पर कब्जा, उसके लिए राज्य की भूमि चाहिए, उसके लिए सेना चाहिए, उसके लिए किला चाहिए, उसके लिए संपदा चाहिए, रक्षा की शक्ति चाहिए। केवल मैं राजा मैं राजा मैं राजा सपने में जैसे बड़बड़ाते रहते हैं वैसे जागृत में बड़बड़ाने से काम नहीं चलता। तो क्रम क्या है कि संसार में जुड़ गया है संबंध, ये मेरा ये मेरा ये मेरा सब कुछ होता है, मैं इनका और ये मेरे। और बाबा न जुड़ा हो तब भी लोग जोड़ लेते हैं, संबंध बनाने में बहुत मुश्किल। तो जब तक आप संबंध का चिंतन करोगे, जैसे ये मेरा रुपया, ये मेरी जमीन, ये मेरा आदमी, ये मेरी कुर्सी, ये मेरी इज्जत, तो आपका मेरा मैं उस मेरे के साथ बंधा रहेगा, वो बंध गया। अब आप उसको छोड़ के जब उड़ना चाहोगे तो वो आपका पांव पकड़ के खींचेगा, आपके मन को खींच के रखेगा। थोड़ी देर उड़ान भरो लेकिन वो मन मन की उड़ान होगी, क्योंकि आप उड़ते भी हो तो रस्सी से अपने को बांध के उड़ते हो। तो रस्सी तो बंधी है संसार की वस्तुओं के साथ और उड़ते हैं आसमान में, तो वो रस्सी फिर से खींच लेती है। अच्छा, अब ये जो मेरा का संबंध है इसमें भी सोचने लायक है, आपका मेरा का संबंध कितना पक्का है? जिसको आप मेरा समझते हो उसके लिए झूठ बोलते हो कि नहीं? अच्छा, उसके लिए दूसरों को दुख पहुंचाते हो कि नहीं? उसके लिए चोरी बेईमानी करते हो कि नहीं? उसके लिए अपने इंद्रियों का संयम तोड़ते हो कि नहीं? और जिसको तुम मेरा समझते हो उसके लिए आगे के लिए कुछ इकट्ठा करके रखते हो कि नहीं? तब तो आपका संबंध बड़ा घनिष्ठ है, बड़ा जोरदार है। जिसके लिए तुम चोरी करते हो, जिसके लिए दूसरे को सताते हो, जिसके लिए इंद्रियों का संयम तोड़ते हो, जिसके लिए झूठ बोलते हो,
और उसको छोड़ के तुम क्या बोलते हो कि मैं अद्वितीय ब्रह्म हूँ। तो छोड़ने का क्रम ये है, आप संबंध रखिए, लेकिन उसके लिए जो निषिद्ध कर्म करते हैं, बुरा काम करते हैं, वो पहले उसको छोड़िए। वहां से आपकी साधना प्रारंभ होगी। एक पंथ है उसमें अहिंसा को बहुत महत्व देते हैं, बहुत मूल्यांकन है। तो अहिंसा में वो चपत को नहीं मारते हैं और अहिंसा में गाली नहीं देते हैं, लेकिन अहिंसा में दूसरे का माल लेना हो तो ले लेते हैं, बेईमानी करने में बड़े निपुण, और हाथ चलाने में बोलने में बड़े अहिंसा। तो जब दूसरे को तुम दुख पहुंचाते हो, किसके लिए? धन के लिए पहुंचाते हो, अपने संबंधी के लिए पहुंचाते हो, अपने हड्डी मांस चाम के पुतले के लिए पहुंचाते हो, अपने मन के लिए पहुंचाते हो। जब दूसरे को तुम तकलीफ देते हो और मैं मेरा के कारण देते हो, तो वो मैं मेरा तुम्हारा एकाएक छूट गया और तुम ब्रह्म हो गए, ऐसा कैसे सोचते हो? तो साधन का क्रम होता है, पहले निषिद्ध कर्म का त्याग। निषिद्ध माने जो मना है, निषिद्ध माने कानून से मना है। कानून से मना नहीं है, कोई भी मना करता है तो एक बार रुक जाओ, जरा सोच लो। बच्चे ने कहा इधर मत जाओ, अरे बच्चा है क्या समझे? नहीं नहीं, बच्चे ने मना किया है तो शायद उसके भीतर भी बैठ करके परमेश्वर ने कहा हो, महात्मा ने कहा हो, किसी जी देवता की आत्मा ने कहा हो। एक बार जब बच्चे ने भी मना किया कि ये काम मत करो, तो एक कदम रुक के विचार कर लो, सोच समझ के फिर उधर पांव रखो। थाली सामने रखी, बहुत बढ़िया भोजन, बच्चे ने आके कहा ठहरो ठहरो, पिताजी अभी मत भोजन करो। बोले अरे बच्चा है कहने दो। नहीं भाई पता लगा लो, क्या बात, क्यों? तो भोजन में छिपकली गिर गई, सांप गिर गया, जहर हो गया। तो बच्चे की बात पर भी ध्यान देना चाहिए, जो रास्ता बना है उस पर आप क्यों चलते हो? आप बाएं से अपनी मोटर नहीं चलाते, दाहिने से दौड़ाते हो, क्यों दौड़ाते हो? तो कानून के खिलाफ काम क्यों करते हो? शास्त्र के विरुद्ध आचरण क्यों करते हो? निषिद्ध आचरण क्यों करते हो? सोचो तो, आपकी ममता संसार में मेरापन ममता इतनी प्रबल है कि आप पैसे के लिए गलत रास्ते पर चलते हो, अपने रिश्तेदार के लिए गलत रास्ते पर चलते हो, अपनी इंद्रियों की तृप्ति के लिए गलत रास्ते पर चलते हो। सावधान, आप ईश्वर की ओर चलना चाहते हैं, आप मालिक के सामने जाके खड़ा होना चाहते हैं, आप नित्य शुद्ध वस्त्र मुक्त रूप में प्रतिष्ठित होना चाहते हैं। गंदगी लपेट कर शरीर में मालिक के सामने नौकर जाता है तो अपने कपड़े ठीक करके जाता है, अपने बाल ठीक करके जाता है, कायदे से जाता है। आप ईश्वर के सामने जाकर खड़ा होना चाहते हैं या ईश्वर को अपने घर में बुलाकर मिलना चाहते हैं? ईश्वर को कोई अभिमान नहीं है, वो आपके घर में आने को तैयार है और आपको अपने घर में लेने को भी तैयार है। ईश्वर को ये बात नहीं है, वो तो बड़ी खुशी खुशी गरीब के घर भी जाता है, पर गरीब भी जब अपने घर में बुलाता है ईश्वर को, तो और नहीं तो रास्ते में झाड़ू लगा देता है, और नहीं तो अपने कमरे को साफ कर लेता है। यदि मिट्टी के बर्तन में भी पानी पिलाना हो तो पानी तो ताजा कुएं से खींच के ले आता है और मिट्टी का बर्तन साफ रखता है। आप चाहते हैं हमारे घर में ईश्वर आवे और घर गंदा पड़ा रहे, आपके सामने ईश्वर आके बैठे और आप बात दूसरे से करते रहे, ऐसा कैसे हो? तो जरा अपने को ठीक ठाक करना पड़ता है। तो पहली बात यह है कि यदि आप ईश्वर की ओर चलना चाहते हैं तो जिस मोह के कारण जिनके लिए आप गलत काम करते हैं
उनसे आपकी ममता जरा कम हो। पैसे की ममता, संबंधियों की, रिश्तेदारों की ममता, शरीर की ममता, इंद्रियों का उद्वेग, ये जरूरी है। अच्छा, एक बात पर आप ध्यान देना, आप लोग कितने अच्छे हैं, आपका कपड़ा लगता है, आपका शरीर चमाचम चमकता है, आप तेल फुरेल लगाते हैं, साबुन लगाते हैं, तेल लगाते हैं, बहुत चिकने रखते हैं। जरा अपने मन की ओर तो देखो, आप खा के आए हैं, बेकार आती है आपको, ज्यादा खा लेते हैं तो बेकार आती है, ठीक है, पर आपका मन भूखा है कि तृप्त है, आपका मन प्यासा है कि तृप्त है, आपका मन नंगा है, नंगा बेशरम, आपका मन बेशरम हो गया है, ऊपर कपड़ा है, ऊपर चमड़ी है। यदि भगवान ने बढ़िया सा चांद बना के आपके शरीर को ढक न दिया होता और जो मन में आता वैसा आपका शरीर होता जाता, तो आप दिन भर में कितने होते बोलिए सर? कभी आप नंगे कामी होते, कभी आप नंगे क्रोधी होते, कभी आपका मुंह शेर तरीका बन जाता दूसरों को खाने के लिए, कभी आपकी आंख लाल हो जाती सांप की तरह, कभी आप गधे की तरह मुंह लटका लेते, जो देखता हो कहता अरे इसका मन तो गधा है, इसका मन तो सांप है, इसका मन तो शेर है, इसका मन तो चोर है, इसका मन तो व्यभिचारी है। आपके मन पर पर्दा जिसने डाला है कि लोगों को मालूम नहीं पड़ता हो, उसकी तरफ से जरा उसकी मैत्री की तरफ ध्यान दीजिए। ये मित्र का काम है, मित्र अपने मित्र के दोष पर पर्दा डालता, ढकता है, उसको उघाड़ता है। हम जानते हैं जो दोष तुम दूसरे में बताते फिरते हो कि इसकी ये गलती है, ये गलती है, ये गलती है, वैसे वैसे न जाने कितने दोष तुम्हारे अंदर हैं, पर अपना दोष तो नहीं दिखता है, दूसरे को दिखता है, अपने बारे में नहीं सोचते हैं, दूसरे के बारे में सोचते हैं। आपका मन भूखा है, प्यासा है, आपका मन नंगा है, आपका मन जिसका ना हो वो माफ करे भाई, हम उसको बधाई देते हैं। आपके मन में चोरी है, आपके मन में व्यभिचार है, पर्दा पड़ा हुआ है ऊपर। तो ईश्वर से मिलने के लिए जब चलोगे, ऐसा ही मन लेकर ईश्वर के सामने चलोगे, यही मन लेकर आप कहोगे मैं शुद्ध हूँ, बुद्ध हूँ, मुक्त हूँ, अद्वितीय हूँ, परब्रह्म परमात्मा हूँ, जरा तो ध्यान दीजिए। तो साधना कहाँ से प्रारंभ होती है? शरीर से बुरे काम ना हो और मन बुराई की ओर नहीं जाए। हम साधना की बात कर रहे हैं, प्रयोजन पूर्ति होने पर इसका पादुका, प्रयोजन पर्यंत ही साधना होती है। अब लो आप विचार किसका करते हैं? आमदनी ज्यादा होए इसका विचार करते हैं, हमको कुर्सी भूसी मिले इसका विचार करते हैं, हमारी इज्जत बढ़े इसका विचार करते हैं, देह को सिंहासन पर बैठा के आप ईश्वर के बदले इसकी पूजा करवाना चाहते, ये तो मर जाएगा भाई, मरेंगे मर जाएंगे, कोई न लेगा नाम, उजड़ जाए बसाएंगे छाण बसंता गांव, हाड़ जरे जस लाकड़ी, केस जरे जस घास, सब जग जलता देख कर कभी बोला, हमका उड़ावे चदरिया चलती बेरिया, प्राण राम जग निकरन लागे, उलट गई दो नैन पुतरिया, चार जना मिल खाट उठाए, रोवत ले चले डगर डगरिया, कहे कबीर सुना भाई साधो,
संग चली चार सूखी लकड़िया, सूख नहीं जाएगा, सब भरा रह जाएगा। तो इस शरीर और इस शरीर से रिश्ता रखने वाली जो चीजें हैं, आदमी हैं, उनके प्रति इतना मोह, इतनी ममता रख कर, इतनी गंदगी अपने साथ डालकर हम ईश्वर के सामने कैसे होंगे, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त रूप में प्रतिष्ठित कैसे होंगे। और तो चाहे भक्ति हो चाहे वेदांत हो, सफाई तो करनी पड़ेगी भाई, स्वच्छता तो करनी पड़ेगी, मालिक के पास जाना है तो भी ने? और अपने शुद्ध रूप में बैठना है तो भी स्वच्छता तो धारण करनी पड़ेगी। तो निषिद्ध कर्म का तो आप जान बूझ कर बुद्धि पूर्वक विचार पूर्वक त्याग कीजिए। और रही बात मन की, अभी कल एक ने कहा कि महाराज हमारी 75 बरस की उम्र हो गई है और हमारी इंद्रियां समर्थ नहीं है, अशक्त हो गए, परंतु हमारे मन में काम का आकर्षण मौजूद है और हम ईमानदारी से चाहते हैं कि वो मिट जाए। हम शरीर से कोई बुरा काम नहीं करते, शक्ति भी नहीं है हमारे शरीर में, परंतु मन में काम का आकर्षण बना हुआ है। तो भाई मेरे, जैसे तन को धोते हो वैसे मन को धोने का भी प्रयास। ये जो बहुत देर तक सोते हैं ना, ये आलस्य है वो जीवन में तमोगुण है। रात को तो खेलेंगे जुआ, करेंगे तरह तरह की बदमाशी, 2-3 बजे तक जागेंगे और सवेरे 11 बजे उनका सूर्योदय होगा। एक से किसी ने पूछा, भाई कै बजे उठते हो? तो बोले कि जब हमारी खिड़की में से सूरज की रोशनी कमरे में आती है तो मैं उठ जाता हूँ। बोले भाई कै बजे तुम्हारी खिड़की में सूरज की रोशनी आती है? बोले महाराज हमारी खिड़की का दरवाजा तो पश्चिम की ओर है, तो दोपहर के बाद रोशनी आती है। इसका मतलब हुआ दोपहर के बाद रोशनी। तो आलसी आदमी जो है उसके लिए कोई मार्ग जल्दी नहीं निकलता है, आलस से छोड़ना पड़ता है। सूर्योदय से पहले उठो और मन में जब तक संसार की वासनाएं उदय ना हो उसके पहले आलस्य हो तो थोड़ा हाथ पांव धो के, आंख धो के, खुला करके बैठ जाओ, भगवान का स्मरण करो। प्रातः काल ब्राह्म मुहूर्ते चोत्थाय धर्मार्था अनुचिन्ते, प्रातः काल उठ गए, वो समय बाथरूम में बिताने का नहीं। ये नहीं कि 4 बजे से 6 बजे तक बाथरूम में शौचालय में रहे। अरे बाबा, परमात्मा के चिंतन का समय है और देह धोने का समय नहीं है। फिर उसके बाद उठे, शौचालय में गए, स्नान किया, फिर संध्या वंदन करना चाहिए। हो मनुष्य के लिए आवश्यक है, ईश्वर का स्मरण करो। देखो ईश्वर के स्मरण में संध्या वंदन का एक मंत्र मैं आपको सुनाता हूँ। जद्रात्रया पापमकार्षम हस्ताभ्याम पदभ्याम उदरेण कृष्णा, हमसे रात में पाप हुए हैं, हमारे मन से हुआ है, हमारे हाथ से हुआ है, हमारे पांव से हुआ है, हमारे पेट से हुआ है पाप, और हमारे उत्तरेन्द्रिय से पाप हुआ है। मंत्र है संज्ञाता ऐसे ही है, जदहना पापमकार्षम, काम के समय मैंने दिन में पाप किया है, मैंने रात में पाप किया है। अहत तदवलुम पदु रात्रित तदवलुम पदु, वो रात के रात में समाप्त हो जाए, वो दिन के दिन में समाप्त हो जाए। भगवान का स्मरण किया, भगवान के पांव छुए, महाराज कल गलती हुई तो हुई, अब आगे 24 घंटे में कोई गलती ना हो ऐसी कृपा करो। आप शक्ति दो, हम कोई गलती ना करें। भगवान की कृपा, भगवान की शक्ति लेकर प्रातः काल प्रतिज्ञा कर लेनी चाहिए,
कि अब 24 घंटे तक कोई बुराई नहीं कर सकता, कोई बुरा काम नहीं। भगवान की शक्ति है, मेरी भक्ति गुरु की शक्ति, आज झूठ नहीं बोलेंगे 24 घंटे। कोई झूठ बोलने का काम आवे तो कह दो कि आज नहीं भाई, कल है ना भाई, और तुम कल, आज तुमसे बात नहीं करेंगे, कल। गुस्सा आवे तो कहो भाई क्रोध, आज तो मैंने प्रतिज्ञा कर रखी है भगवान के चरणों का स्पर्श करके कि आज हम क्रोध को अपने अंदर नहीं चिपकावेंगे, तो तुम अब आज नहीं कल आना, हम कल तुमसे बात कर लेंगे, है ना। ऐसे काम से, क्रोध से, लोभ से सवेरे उनको 24 घंटे बाद के लिए डालो, और कल फिर डाल देना हो परसों फिर कल। जिंदगी भर के लिए प्रतिज्ञा नहीं की जाती है, क्योंकि वो जब टूट जाती है ना, एक बार दो बार जब टूट जाती है तब मनुष्य निराश हो जाता है, उदास हो जाता है। अच्छा देखो, जीवन में जितनी बेचैनी आती है, हम मनुष्य के शरीर के लिए ये बात कर रहे हैं, ब्रह्म के लिए आप स्त्री हैं, आप पुरुष हैं, आप मनुष्य हैं। आपको बेचैनी क्यों आते हैं? आप कुछ चाहते हैं और वो नहीं हो रहा है, या उसके होने में शंका हो गई है कि शायद हो शायद ना हो, धड़कन बढ़ जाएगी है? आप कुछ नहीं चाहते हैं और वो होने जा रहा है, और आप कुछ चाहते हैं वो नहीं हो रहा है, बस बेचैनी। ये नहीं समझना कि हमको तो कुछ नहीं चाहिए महाराज, लेकिन हमारा दिल बेचैन रहता है, ये बात नहीं है। जब जब आपके मन में बेचैनी आती है, उद्विग्न होते हैं, आंख लाल होती है, मुंह टेढ़ा होता है, क्रोध आता है, आपके मन में कोई कामना है उसके पूर्ण होने में बाधा पड़ रही है, आप उसको समझिए। आप अपने बेटे से अपेक्षा रखते हैं, पूरी नहीं होती, आपका मन बेचैन होता है। आप अपनी माँ से, बाप से, पत्नी से अपेक्षा रखते हैं, पूरी नहीं होती है, बेचैन। मित्र से अपेक्षा रखते हैं, यदि आपके मन में कोई न कोई चाह न होती तो आपको बेचैनी नहीं होती। आप उसको पकड़ लीजिए क्या चाहते हैं आप, और छोड़ने लायक हो तो उसको छोड़ दीजिए। हर इच्छा को पूरी करने की कोशिश मत कीजिए, छटाई कीजिए उसमें कि उस इच्छा को आप छोड़ सकते हैं कि नहीं। हम सरकार से ऐसा चाहते हैं, हम समाज से ऐसा चाहते हैं, हम परिवार से ऐसा चाहते हैं, हम अपने रिश्तेदार से ऐसा चाहते हैं। ये चाह महाराज आपके मन में बेचैनी ही डालती है। ये आ आ है वो आ आ आ, आ ने कहा पिताजी ब्रह्मा जी मैं ब्याह करना चाहती हूँ, जा बेटी कर ले जो पसंद आए। अब महाराज कोई मंजूर ही न करे, सब लोग कहें आ से ब्याह कौन करेगा, आ से ब्याह कौन करेगा, आ आ आ। तब ब्रह्मा जी ने उसके मुंह पर च की चक्कर उड़ा दी, उसका नाम रख दिया चाह, आह बन गई चाह। अब जिसके दिल में आती है उससे आ आ आ करवाए बिना नहीं रहती है, आप अपनी चाह को पकड़िए। अब देखो एक बात, अपनी चाह को आप ईश्वर के साथ जोड़िए, देखो वो सर्व समर्थ है। आप अपने को बहुत बुद्धिमान मत माने, आपसे भी बुद्धि बड़ी है, आपकी बुद्धि आपके दिमाग में रहती है, वो फांग खिलाने पर बिगड़ जाती है, वो शराब पीने पर बिगड़ जाती है, एक इंजेक्शन लगाने पर सो जाती है। ये बुद्धि कोई बड़ी चीज नहीं है जो एक इंजेक्शन की चोट न सह सके, जो भांग का एक प्याला न सह सके, जो शराब का एक पेग न सह सके, बुद्धि कोई बुद्धि है? इसके भरोसे काम नहीं करता। इन सब बुद्धियों से बड़ी बुद्धि एक होती है जिसमें सब बुद्धि सम्मिलित होती हैं, वो है ईश्वर की बुद्धि।
ईश्वर होता है सर्वज्ञ। सर्वज्ञ माने सबके दिल की जानता है। आपको क्या चाहिए ये भी ईश्वर को मालूम है, आपको नहीं चाहिए ये भी ईश्वर को मालूम है। और वो है सर्वसमर्थ, सर्वशक्ति। वो चाहे तो आपकी इच्छाओं को पूरी कर सकता है, चाहे तो मिटा सकता है, चाहे तो उनको उदय होने से ही रोक सकता है। वो सर्वसमर्थ है। तो वो जानता भी है आपके दिल की, उसको पूरा या मिटाना, बताना या हटाना भी कर सकता है ईश्वर। और वो इतना दयालु है, इतना दयालु है, परम दयालु है कि वो आपका जिसमें हित होगा वो किए बिना रह नहीं सकता। आप ईश्वर पर भरोसा कीजिए। और दुनिया में जो अपनी ओर से खटपट बहुत मचाते हैं, हम चोरी नहीं करेंगे तो खाएंगे क्या, बेईमानी नहीं करेंगे तो बाल बच्चे भूखे रह जाएंगे, व्यभिचार नहीं करेंगे तो हमें सुख ही नहीं मिलेगा, तो ये सब जो आप अपने मन में ख्याल बना के बैठे हैं, उसकी जगह पर ईश्वर का ख्याल ले आइए। वो सबके दिल में है एक, वो सब कुछ कर सकता है दो, वो परम दयालु है, जिसमें आपका भला होगा वही वो करेगा, उसके ऊपर विश्वास कीजिए। विश्वास करके आपके हृदय में जो कड़ापन आ गया है उसको छोड़ दीजिए, अपने दिल को कड़ा मत कीजिए, कठोर तेरो कठिन ही हो रही भाई। तुम दूसरे को दुख पहुंचा के अपने को सुखी करना चाहते हो। आप अपने आचरण से बोल के अंगूठा दिखा के ऐसा मुंह टेढ़ा करके हंसते हैं महाराज कि सामने वाले का दिल बैठ जाए। कुछ बोलते नहीं है, ऐसा मुंह बना देते हैं, ऐसा मुंह बना देते हैं कि सामने वाला बिल्कुल गायब हो जाए। ऐसी टेढ़ी आंख से देखते हैं, ऐसी टेढ़ी बोली बोलते हैं, ऐसा अंगूठा दिखाते हैं कि आदमी के चित्त में चोट। आप चोरी करके ध्यान करने बैठते हैं क्यों भाई? पुलिस का ध्यान होगा, माल को बचाने का ध्यान होगा, जिसकी चोरी की है वो पकड़ न ले, उसको सुराग न लग जाए, इसका ध्यान होगा, ईश्वर का ध्यान करते होगा। तो आप जरा अपना दिल ठीक ठाक करके ईश्वर के ध्यान में, ईश्वर के ध्यान में बैठे। आपके जीवन में यदि काम है, एकांत में बैठने पर, अशुद्ध हृदय का मनुष्य जब एकांत में बैठता है, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष, तब काम वासना अकेले में ज्यादा आती है, तो उस समय लोगों के बीच में आ जाना चाहिए, 10 आदमियों के बीच में आ जाना। कुछ परिश्रम करना प्रारंभ कर दो, काम करना प्रारंभ कर दो, उपनिषद का पाठ करो, गीता का पाठ करो, भक्तों के जो उत्तम उत्तम चरित्र हैं उनको पढ़ो, मन को बदल दो। उपनिषद पढ़ने में मन न लगे तो भक्ति शास्त्र पढ़ो, भक्ति शास्त्र पढ़ने में मन न लगे तो भक्तों का चरित्र पढ़ो। अपने मन को बिल्कुल बदल दो, युक्ति चाहिए हो, बिना युक्तिम अनिंदिताम, यदि आप युक्ति नहीं करोगे तो आपका मन ठीक नहीं होगा। अध्यात्म विद्या का पाठ करो, सत्संग में जाके बैठो, वासनाएं बुरी हैं ये पता नहीं कहाँ खींच के ले जाएंगी, ऐसा सोच के वासनाओं का त्याग करो। और यदि मन ज्यादा दुख कोई इनमें से कोई न मिले तो थोड़ी देर के लिए सांस रोक ले हो, प्राणायाम ज्यादा तो नहीं करना चाहिए, पर पूरक रेचक कुंभक, पूरक कुंभक रेचक, सांसों की कसरत प्रारंभ कर दो। उसमें एक बात का ध्यान रहे हो, है ना, कि एक मात्रा में खींचो, माने यदि मान लो 1 सेकेंड आप सांस खींचते हैं तो 4 सेकेंड उसको रोक सकते हैं और 2 सेकेंड में उसको निकालना चाहिए। यदि 1 मिनट खींचते हैं तो 4 मिनट रोक सकते, 4 मिनट यदि रोक सकते हो तो 1 मिनट में सांस ले लीजिए और 2 मिनट में उसको छोड़िए। छोड़ने में थोड़ी मुश्किल पड़ती है, आपके मन में अगर बुरे विचार आ रहे होंगे तो वो कम हो जाएंगे। बोला जितनी देर आप प्राणायाम करेंगे उतनी देर तो रहेंगे नहीं। अच्छा,
आप भगवान के सुंदर रूप का ध्यान कीजिए, नृसिंह रूप का ध्यान करने से हो काम निवृत्त हो जाओ। ये देखो टोना टोटका आपको बताता हूं, होम ज्यादा नहीं करो, हमारे मन में तो काम आता ही नहीं है, हमारे मन में तो कोई आकर्षण है ही नहीं। अरे काम तो ब्रह्मा के मन में भी आता है, और उनके ब्रह्मा के मन में तो अपनी बेटी के प्रति काम आ गया, विष्णु के मन में आता है, वृंदा का सारा मन इस बात की बना गया, रुद्र के मन में आता है तो जला दिया उन्होंने, आता नहीं तो जलाता कहां, जलाते कहां। तो ये नहीं कि हमारे मन में हाय हाय आ गया तो आप देखिए नृसिंह भगवान ओ मारा भयंकर गर्जना करते हुए हिरण्यकश्यप ऊपर टूट रहे हैं। शंकर जी का ध्यान कीजिए, रे कंदर्प करम कदर्थ सिकिम कूदंड टंकार वही, करे काम तो अपना हाथ गंदा क्यों करता है, मेरे मन क्यों आता है। चेतश्चुंबित चंद्रचूड चरण ध्यानामृतम वर्तते, मेरे हृदय में शंकर जी बैठे हैं, उनके सिर पर जो चंद्रमा है उसकी चांदनी फैल रही है, उनके जटा से गंगा जी की धारा गिर रही है, वो कर्पूर धवल है, अमृत की वर्षा हो रही है, मैं उनके चरणों का ध्यान कर रहा हूँ। मालूम नहीं है उन्होंने पहले तुमको जला दिया था, मेरे मन में आओगे तो तुमको जला देंगे, शंकर जी का ध्यान करो। केवल ब्रह्म ब्रह्म करने से काम नहीं चलता है, बुराइयों को हटाने के लिए, अपने जीवन में जो गलतियां हैं उनको दूर करने के लिए साधन करना पड़ता है। तो अपने मन को सब एक बात सुनाते हैं आपको, सिद्धांत तत्व का लय करना दूसरी प्रक्रिया है और मनोवृत्ति का लय करना ये दूसरी प्रक्रिया है। निषिद्ध कर्म छोड़कर विहित कर्म करो, विहित कर्म में भी सकामता छोड़कर निष्काम रहो, निष्काम कर्म से भी मुक्त हो करके शांत हो जाओ, शांत वृत्ति के तुम दृष्टा हो, क्रोध के दृष्टा नहीं हो। ये जो फालतू बातें सुन लेते हैं ना लोग, देखते रहो देखते रहो देखते रहो, क्रोध तो आता ही तुम हो तब है जब तुम क्रोध से मिल जाते हो, काम रहता ही तब है जब तुम काम से मिल जाते हो। असल में पहले काम का दृष्टा कोई हो नहीं सकता, पहले क्रोध का दृष्टा कोई हो नहीं सकता, वो तो जब क्रोध में मजा आएगा दुश्मन को मारेंगे, जब काम में मजा आएगा भोगेंगे, जब वृत्ति सारूप्य हो जाएगा, योग दर्शन का ये सिद्धांत है, जब वृत्ति सारूप्य हो जाएगा तब आप कामी होंगे, तब आप क्रोधी होंगे। दृष्टा रह के देखा नहीं करते हैं, दृष्टा रह के चोरी करते हैं, बेवकूफी की बात है ना, और गलत लोगों ने गलत बातें तुम्हें सिखाई हैं। जब आपकी वृत्ति शांत होगी तब आप शांत वृत्ति के दृष्टा रह सकते हैं। अभ्यास करना है तो शांत वृत्ति के दृष्टा बनिए, तो तमोगुणी वृत्ति को रजोगुणी में और रजोगुणी वृत्ति को सत्वगुणी वृत्ति में, और सत्वगुणी वृत्ति भी जो है उदारता है दान है दया है ये विक्षिप्त वृत्ति है, सत्वगुणी वृत्ति भी विक्षिप्त है, उनको भी शांत करके जब बैठोगे तब दृष्टा रह सकोगे। दृष्टा बने का अभ्यास काम की वृत्ति के साथ नहीं होता, क्रोध की वृत्ति के साथ नहीं होता, लोभ की वृत्ति के साथ नहीं होता, उसका जो अभ्यास है वो शांत वृत्ति के साथ होता है। सदा दृष्ट स्वरूप आरम्भ निरोध दशा में दृष्टा अपने स्वरूप में बैठ पाए, विक्षिप्त दशा में दृष्टा अपने स्वरूप में नहीं बैठता है। तो एक तो चित्त वृत्तियों के निरोध के क्रम से आप बुरी वृत्तियों को छोड़कर अच्छी वृत्ति बनाओ,
अच्छी वृत्तियों में भी जो सत्वगुणी है उनको रखो, सत्वगुणी में भी जो शांत है उनको रखो, और तब तुम देखो दृष्टा हो। और एक होता है पदार्थ के लय की प्रक्रिया होती है, ये जितनी सकल सूरत है आकार आकार है, प्रकार है, कोई काला है, कोई गोरा है, कोई लंबा है, कोई नाटा है, कोई नाटा है, कोई दुबला, कोई मोटा है, कोई दुबला है, कोई चिड़िया है, कोई पशु है, कोई आदमी है, कोई देवता है, ये सकल सूरत सब की अलग अलग है। पर बनी कहां से है? कि मांझी से, सब मांझी। अब उसमें देखो सब सकल सूरत को तुम बराबर नहीं समझते हो, अपनी को ज्यादा समझते हो, अपनों को ज्यादा समझते हो, तो सब सकल सूरत को माटी में मिला देना शक्य नहीं होता है। जब ममता मोह कम होते हैं तब सारी सकल सूरतें ठीक ठीक माटी में मिलाई जा सकती हैं, सब माटी तो सब माटी, मिट्टी पिघल गई, आप देखो सब मिट्टी है, शहर मिट्टी है, पशु पक्षी मनुष्य मिट्टी है, हीरा मोती मिट्टी है, पेड़ पौधे मिट्टी है, मिट्टी है, मिट्टी है, मिट्टी है, मिट्टी का। अब मिट्टी पिघल गई तब क्या रहा? का पानी लहरा रहा है महाराज, समुद्र ऐसा, मत अपने को देखो मत दूसरे को देखो, लहरा रहा है समुद्र, न उसमें पहाड़ है, न शहर है, न पेड़ है, न पौधा है, ओ देखो लहर लहरा रहा है, स्वर्ग उसकी लहरें हैं, नरक उसकी लहरें हैं, ब्रह्मलोक उसकी लहरें हैं, ये संपूर्ण सृष्टि उसकी लहरें हैं, ये प्रश्न चमक रहा है तेज, पानी नहीं है, उड़ रही है गैस भाप, रोशनी भी नहीं, कुछ चल फिर नहीं रहा है, आसमान है। जब निराकार आकाश निराकार होता है तो मन और आकाश एक हो जाता है, तब उसका नाम हो जाता है चित्ताकाश, उस चित्ताकाश के आप दृष्टा, और उस चित्ताकाश में देश काल वस्तु सब कल्पित है, और चूंकि तुम चित्ताकाश के दृष्टा हो इसलिए तुम ब्रह्म हो, न तुम में देश है, काल है, वस्तु। तो भाई कुछ सीखना पड़ता है, कुछ अभ्यास करना पड़ता है, अपने मन को कुछ ठीक ठाक बनाना पड़ता है, जाके एक दिन व्याख्यान सुनी आए कि तुम दृष्टा हो, फिर तो बुराई करते रहोगे, और कोई पूछेगा क्यों करते हो तो कहेगा मैं थोड़ी करता हूँ, मैं तो दृष्टा, अभिमान बढ़ेगा। इसी से जो लोग शास्त्रीय परंपरा को छोड़कर, सदाचार के मार्ग को छोड़कर लोगों को ब्रह्म ज्ञान सुना देते हैं बाबा, उनका रास्ता खराब हो जाता है, उनका रास्ता बिगड़ जाता है। तो प्रातः काल उठ के जब स्नान करते हैं, आप संध्या वंदन करते हैं, कुछ जप करते हैं, जप बहुत बड़ी वस्तु है, जपा सिद्ध, जपा सिद्ध, जपा सिद्ध न संतया, जप करने से सिद्धि मिलती है, जप करने से सिद्धि मिलती है, स्वाध्याय योग माती योगा स्वाध्याय मामा तोरा, जब माने भगवान के नाम को बार बार दोहराओ, आप देखो आपकी जीभ जैसे आपका अंगूठा है, जैसे आपका हाथ है वैसे आपकी जीभ भी है, जीभ ईश्वर के लिए हिलने लग गई, एक बढ़िया काम शुरू है, राम 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 राम, देखो क्रम से हिलती है वो, एक सेकेंड में अगर आप एक राम बोलते हैं तो एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड उसमें क्रम बन जाता है, एक सिलसिला हो जाता है, लगातार आप राम राम बोलने लगते हैं तो आपका काल लग गया, दो तोले की जीभ लग गई, एक इंच जगह लग गई आपकी परमेश्वर के लिए, और आप एक ही ना भगवान का नाम क्यों लेते हैं? तो भगवान के नाम पर श्रद्धा है तब तो लेते हैं, तो देश लगा, काल लगा, जीभ लगी,
उसमें शब्द का उच्चारण लगा, उसमें एक सिलसिला बन गया, आपकी श्रद्धा हुई और मन नहीं लगेगा तो जी भिलेगी कैसे, बराबर बंद हो जाएगी ना, थोड़ा मन भी लगा और किसका नाम ले रहे हैं उसकी याद भी आई और किसके लिए ले रहे हैं उसकी याद भी आई। ये नहीं कि मन न लगे, मन साफ न हो तो नाम मत लो, मन साफ कैसे होगा, तो हथियार कैसे होगा, मन साफ झाड़ू लगा के मन साफ करोगे, भगवान के नाम से मन साफ होगा। अगर भाई साधना उठती है तो नाम लेने से क्या फायदा, वासना मिटना तो फल है, नाम लेना साधन है। आप मंत्र का जप कीजिए, ऐसे ऐसे मंत्र होते हैं, आप 8 घंटे जप नहीं कर सकते, इतनी गर्मी होती है उनमें, इतनी शक्ति होती है उनमें कि आपके शरीर को वो मत देता है, स्पंदित कर देता है, शरीर को मत कर मन को ऊपर कर देता है। यदि आपको जप का कोई चमत्कार नहीं मालूम पड़ता है तो मैं दावे के साथ कहता हूँ कि आपने कभी सीख करके गुरु से करने के से आप जप नहीं करते हैं, और जो आपको बताया गया वो आपने किया नहीं। तो बाबा शरीर को मत के इसमें से मन को पहले अलग निकालना पड़ता है, फिर मन को पवित्र करके धो पोंछ करके भगवान के चरणों में लगाना पड़ता है। जब मन भगवान के चरणों में लग जाता है तो आप मन को नहीं भगवान को देखने लगते हैं, और जब आप भगवान को देखने लगते हैं तब आपका दृष्टापना चमक जाता है। आप काम के दृष्टा नहीं, क्रोध के दृष्टा नहीं, लोभ के दृष्टा नहीं, आप चोर व्यभिचारी के दृष्टा नहीं, आप भगवान के दृष्टा हैं। आपकी आंख कहाँ जमती है, आप समाधि के दृष्टा हैं, आप शांति के दृष्टा हैं, आप ईश्वर के दृष्टा हैं, आप शांत सत्वगुणी प्रकृति के दृष्टा हैं। जब तक महाराज इस शांत सत्वगुण को नहीं देख लोगे, उसमें प्रतिबिंबित हो, जैसे शीशे में परछाई झलकती है वैसे शुद्ध चित्त में आपकी परछाई झलकती है। आप उस परछाई को जब तक पहचानते नहीं है, और बच्चे की तरह उसके साथ खेलिए, लो भाई खाओ, लो भाई पियो, लो भाई हंसो, उसके साथ खेलिए। कर्तृत्व भोक्तृत्व से विनिर्मुख, अपने कर्तापन का भोक्तापन का तो अभिमान न रहे और वासनाएं न उठे हो, आपका हृदय शुद्ध शांत हो और उसमें आपकी परछाई, आपका आभास, आपका प्रतिबिंब, क्या आत्मा का प्रतिबिंब कोई आकार नहीं होता, आत्मा का प्रतिबिंब ज्ञान होता है, वही संसार का निर्वाह करता है। आपका आभास, आपका मैनेजर, आपका मुनि, आपका नौकर मन में बैठ के संसार के व्यवहार का निर्वाह करता है और आप शांति से अपने स्वरूप में बैठे रहते हैं। तो उस आभास को नहीं, प्रतिबिंब को नहीं, जिस दृष्टा का आभास है, जिस कूटस्थ का प्रतिबिंब है, उस कूटस्थ को, उस दृष्टा को, उस चेतन को वेदांत ब्रह्म बताते हैं। वो अद्वितीय है, फिर तो न पानी है, न शीशा है, न प्रतिबिंब है, न दूसरा है, तो वही वही है। इसलिए यदि आपको कायदे से रास्ते में चलना है तो बाबा मन की बुराई छोड़ने का अभ्यास करो, मन की बुराई छोड़ने का अभ्यास करो, ईश्वर के चरणों में समर्पित होकर के बैठो, दियो योन प्रचोदया, उस शांत चित्त में जो प्रतिबिंब है उसको देखो और फिर वेदांत से जानो कि ये जो देख रहा है ये कोई छोटी मोटी चीज नहीं है, ये तो वही सत्य है, वही सत्य है, वही ब्रह्म है, वही प्रज्ञान है। ये वेदांत की रीति है। और ये जो आजकल पंचे बांट कर लोग इकट्ठे करके लाउड स्पीकर पर बोल बोल के अब तो सोहम का डंका बजाना पड़ेगा है, ऐसे वेदांत का अनुभव नहीं होता, वो जबान के भीतर घुसता है। उसके लिए ठीक कायदे से साधना करनी पड़ती है, उसमें धर्म होता है, उसमें भक्ति होती है, उसमें योग होता है, उसमें समाधि होती है, सब रास्ते में आते हैं, सब रास्ते।
और फिर आत्मा के रूप में परमात्मा का साक्षात्कार होता है। यदि परमात्मा आत्मा नहीं है तो उसका साक्षात्कार कभी हो ही नहीं सकता, वो तो सातवें आसमान में पड़ा रोता रहे, बेहोश। और यदि आत्मा परमात्मा नहीं है तो ये टुकड़े टुकड़े छिन्न भिन्न कतरा ही कतरा रहेगा, कभी पूर्ण नहीं होगा। परमात्मा से अलग जो आत्मा है वो कभी पूर्ण नहीं होगा, रोता ही रहेगा। और आत्मा से अलग जो परमात्मा है उसका कभी साक्षात्कार नहीं होगा, वो अलग ही केवल कल्पना की वस्तु बना रहेगा। इसलिए अंत में वेदांत आत्मा और परमात्मा की एकता का उपदेश करता है। ओम नमः।